बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भगवान परशुराम की। आज इस गुलाबी नगरी में ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला जयपुर में भरा है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसने से तीन गुना लोग बाहर जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में, इस पावन मंच पर विराजमान सभी संतगण को प्रणाम करता हूं, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रेल और संचार मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज पहली बार भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट का विमोचन हुआ है। ऐसे माननीय अश्विनी जी वैष्णव के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। या इस कार्यक्रम में विराजमान जयपुर के हमारे सांसद माननीय रामचरण बोरा जी, हमारे आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय पंचारिया साहब, आदरणीय महेश जोशी जी, रघु शर्मा जी, माननीय भजनलाल जी, मुकेश जी और मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, और विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील तिवारी जी, जिन्होंने एक आह्वान करके जयपुर की धरती पर यह विप्र महाकुंभ आयोजित किया है। मैं आज सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी विप्र देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरी मांग पर आज पहली बार भगवान परशुराम जी के ऊपर ये डाक टिकट का विमोचन हुआ है। बंधुओं, हम सब लोगों को आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब को सुनना है, लेकिन ये जरूर हमने ध्यान रखना चाहिए कि आप और हम सब लोग आज इस जयपुर की धरा पर इकट्ठे हुए हैं। यह देश और दुनिया भी मानती है कि संसार को कोई चलाता है तो देवता चलाते हैं, और देवताओं को कोई चलाता है तो मंत्र चलाते हैं, और उन मंत्रों का उच्चारण कौन करता है तो यह ब्राह्मण समाज करता है। आज इसीलिए इस समाज का सम्मान ऐसे ही नहीं है। इस समाज ने आज हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक, आज क्रांतिकारियों की लिस्ट उठा के देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद से लेकर मंगल पांडे तक, राजगुरु से लेकर सुखदेव तक, लाला लाजपत राय से गंगाधर तिलक तक, उस लिस्ट में सबसे अग्रणी कोई रहा है तो इस ब्राह्मण समाज का बेटा रहा है। आज हम सब लोग माने तो आज ब्राह्मण अगर देता है तो दधीची कहलाता है, अगर वो लेता है तो सुदामा कहलाता है, अगर वो नीति पे आता है अनुशासन तो चाणक्य कहलाता है, बैठिए, और वो क्रोध में आ जाता है तो भगवान परशुराम संतों को आना पड़ रहा है। आप विराजिए, मेरी तीन बातें आपके चरणों में है। हमारे यहाँ राठौर साहब, पुनिया साहब, रामलाल जी, कई लोग बैठे हैं। मैं तीन बातें आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज आजादी का अमृत काल चल रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो अरुणाचल में भगवान परशुराम जी की गगनचुंबी प्रतिमा भी लग रही है। इसके लिए हम भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं। मेवाड़ में तपस्या स्थली पर भगवान परशुराम का पैनोरमा बना है। मित्रों, हम सब लोग, ये वही समाज है जो गांव में किसी को तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले गला लगाता है। ये वही समाज है जो विश्व सबके शांति की बात करता है, सबको आशीर्वाद देता है, गौ माता की जय करता है। ये वही समाज है जो सबके कल्याण की बात करता है। मैं तीन बातें आपके चरणों में कहूंगा। एक बात, सबसे पहले अगर कोई ब्राह्मण
दूसरे ब्राह्मण की टांग खींचना बंद कर दे, आज ये मैसेज लेके जाए। किसी की बुराई नहीं करेंगे। दूसरा, आपके चरणों में प्रार्थना है कि कोई विधर्मी अगर हमारी बेटी को, सनातनी की बेटी को, हिंदू समाज की बेटी के साथ अगर अत्याचार अनाचार कुछ गलत करता है तो ये भगवान परशुराम की संतान उठ खड़ी होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे समाज का कोई गरीब अगर भाई बेटी कन्यादान से बच जाए और शिक्षा से बच जाए तो हमारा व्यक्ति उसको उंगली पकड़ के आगे ले जाए। मैं आपके चरणों में भाई सुनील तिवारी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने संत के साथ, पुजारी के साथ कोई अत्याचार हुआ है तो विप्र सेना उसके संकट में संकट मोचक बनकर उसके साथ गई है। और ये पहला सम्मेलन होगा जो किसी बिना साधन के विप्र समाज के लोगों ने स्वयं संसाधन खड़ी करके यह जयपुर की धरती पर एक महाकुंभ आयोजित किया है। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप लोग यह मैसेज चाहे कि हिंदू समाज सनातन संस्कृति के लिए, हम लोग सबके सम्मान के लिए, भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सबसे पहले ये परशुराम की संतान आ गया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। बोले भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। बहुत बहुत धन्यवाद।